हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णव किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की खांडवी। उसके लिए हमने आधी कटोरी बेसन लिया है, उसके अंदर हमने डाला है थोड़ा सा दही। ये देखिए, हमने इसमें थोड़ा सा दही डाला है, थोड़ा सा हमने डाला है चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी हमने डाली है ग्रीन चिली, हमने डाला है धनिया। इसके अकॉर्डिंग हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, ये नमक ऐड कर दिया मैंने, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, एक पिंच हमने इसके अंदर डाला है हल्दी पाउडर को। हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम अगर और हमें इसमें दही की आवश्यकता है तो हम इसमें दही डालेंगे, वरना थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके इतना ही मिक्स करेंगे कि इसके अंदर लम्स नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे इस तरह से। ये देखिए, इसको हम इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। बेसन की खांडवी बनाने का सबसे आसान तरीका मैं बता रही हूँ आपको। ये ऐसा नाश्ता है जिसे हम सुबह के समय बनाएं या फिर चाय के साथ शाम के टाइम बनाएं। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसे ज़्यादा लिक्विड भी नहीं करना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, इस तरह का हमें इसको रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है जिसके अंदर हम इसको इस तरह से डाल देंगे, पूरे पूरे पेस्ट को ही हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। इस तरह से हम इसको अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे ताकि ये पूरी तरह से प्लेट के अंदर सेट हो जाए इस तरह से। ये हमने इसको अच्छे से फैला दिया है। हमने एक भगोने में पानी गर्म किया है और उसके ऊपर हम इसको इस तरह से ढक के रख देंगे। ये हमने इसको रख दिया है। अब इसके ऊपर हम इस प्लेट से इसको ढक देंगे, इस तरह से इसको हम प्लेट से कवर कर देंगे। इसे 15 मिनट के लिए हमें इसको ढक के रखेंगे। ये हमें 15 मिनट हो चुके हैं इसको, अब हम इस कवर को हटा देते हैं और रेडी है हमारी खांडवी। इसको हम गैस से नीचे उतार लेते हैं। फ्रेंड्स, रेडी है हमारी बेसन की खांडवी। अब हम इसको इस तरह से नाइफ से कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसके नाइफ से इसको कट कर देंगे। सबसे इजी और आसान तरीके से बनाना सिखाया है मैंने आपको ये। तरह से हम इसको निकाल करके राउंड राउंड करते जाएंगे, हम इसको राउंड कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी जो ये हमने कट करा है इन सबको हम इस तरह से राउंड कर लेंगे, इसी तरह से हम सभी के रोल कर लेंगे। कि देखिए, इस तरह से हम सभी की खांडवी का रोल बना लेंगे। देखिए, नेक्स्ट अब हम इसकी भी इसी तरह से रोल बना लेंगे। फ्रेंड्स, हमने सभी की खांडवी रोल बना ली है। अब हम इस पे जा रहे हैं राई का तड़का लगाने। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने थोड़ा सा ऑयल गरम किया है, हमने उसमें थोड़ी सी राई डाली है, अभी धीरे धीरे चटकने लगी है। इसको चटका लिया, अब हम इसको उससे सर्व कर। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने इसके ऊपर ये राई का तड़का लगा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारी खांडवी बनकर। तो आपको मेरी ये चैनल कैसा लगा, मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।